नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्णेंदु सेन और ये जो वीडियो है ये है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच की कट ऑफ के बारे में। तो हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर कट ऑफ सोचेंगे और मैंने देखेंगे और उसके बेसिस पे इस बार क्या हो सकती है उसके बारे में हम हिसाब लगाएंगे, यानी उसके बारे में एक रफ आइडिया लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूँ ये जो वैकेंसी है इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी, इसमें सबसे कम वैकेंसी होती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी में अप्लाई होते हैं क्योंकि इसमें आप अप्लाई करने के लिए सिर्फ 10th पास ज़रूरत है और कुछ चाहिए नहीं। तो अब तो लगभग हर कोई 10th पास तो किए ही, तभी तो वो नौकरी का फील्ड में है, वरना वो सरकारी नौकरी का क्यों तैयारी करता, वो तो तब लेबर उबर कहीं का काम करता। ऐसे भी कई है जो काफ़ी हाई क्वालिटी तक पढ़े फिर भी कुछ ऐसा काम करते जो वो डिजर्व नहीं करते हैं, मतलब उसके वो जितना पढ़े उसके हिसाब से काफ़ी लो लेवल का है, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आज देखेंगे हम इंडियन कोस्ट गार्ड का प्रीवियस ईयर कट ऑफ। तो आइए एक बार ध्यान देते हैं। अगर मैं बात करूं अभी जो वैकेंसी निकली है ना इंडियन कोस्ट की, ये है आपका 01/2024 वाली। अभी जो वैकेंसी है दिख रहा है ना, ये है आपका 01/2024 वाली। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 01/2023 वाली। ठीक है, इसमें जो जनरल का यह है वो गया है 51, OBC का जस्ट दो कम 49, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 48, SC 45, ST 44। फिर 02/2023 वाला अगर देखेंगे तो जनरल का किया है 50, ये फाइनल मार्क्स नहीं है। ठीक है, ये रिटर्न क्वालिफाई करने वाली मार्क्स है 50, इसके बाद OBC 48, EWS 47, SC 47, ST 42। ठीक, अब आप देखेंगे कि इसके हिसाब से यहाँ पर कम वैकेंसी है क्यों, मैंने कम कट ऑफ गई क्यों, हो सकता है पार्टिसिपेशन कम हुई हो ही सकता ना, ऐसा तो कोई ही नहीं है। तो काफ़ी चीज़ फैक्टर करते हैं, लेकिन हम देखेंगे फाइनल कितना जा रहा है, हमें वो टारगेट करना है। एक रफ में आइडिया दूँ तो ये जो डीबी वाली वैकेंसी है ना, डीबी वाली वैकेंसी है, इसमें आपको टोटल 60 मार्क्स का एग्ज़ाम देना पड़ता है। कितना मार्क्स का? 60 मार्क्स का एग्ज़ाम देना पड़ता है और यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसके चलते कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई जाती है, क्योंकि सोचिए कोई 55 किया है, 55 प्लस किया है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो और 5 अंदाजे कर देगा, वो 5 में से अगर 2-3 सही हो गया तो ऐसे ही बोनस है उसके लिए। किसी को 50 आया, उसके बाद 10 वो अंदाजे मारा, ठीक है, अनुमान लगा के मार दिया, 10 में से 4-5 सही हो गया, तो उसको तो प्लस पॉइंट है। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि वो डरेगा, वो तो हर कुछ अटेम्प्ट करेगा, 60 out of 60 अटेम्प्ट करेगा वो, तो इसलिए कट ऑफ इसमें हाई जाती है। और साथ में डीबी में काफ़ी कम वैकेंसी रहती है, लेकिन अप्लाई सबसे ज़्यादा होता है डीबी में ही, बाकी की तुलना में जीडी और यांत्रिक की तुलना में, तो यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है डीबी में। ठीक है, तो अगर मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोलूँ, ठीक है, तो वो क्या होनी चाहिए, मैं अगर एक्सपेक्टेड, मैं फिर से कह रहा हूँ एक्सपेक्टेड की बात करूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ या फिर टारगेट, ये एग्ज़ाम मैं भी दूंगा इसलिए मैं भी बोलूँगा कि मैं इसे क्वालिफाई कर पाया या फिर नहीं कर पाया, हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोलूँ, सिर्फ जनरल वालों के लिए बात कर रहा हूँ, जनरल वालों के लिए, तो भाई आप लगभग 55 प्लस टारगेट रखिए। फाइनल मेरिट के लिए मैं कह रहा हूँ, फाइनल मेरिट के लिए कम से कम आप 55 प्लस टारगेट रखिए। अगर 54 में सिलेक्शन हो जाता है या 53 में सिलेक्शन हो जाता है, अच्छी बात है ना, आपका ज़्यादा है आप तो निश्चिंत रहेंगे। जैसे अभी एयरफोर्स का वैकेंसी चल रहा है, अब सोचिए अभी वाई ग्रुप से कट ऑफ किया है आपका 33.5, सोच लीजिए जिसका 35, वो तो अभी डर रहा है कि होगा कि नहीं, सोचिए वो ग्रीन कार्ड मिल गया है। लेकिन अगर इसी जगह किसी को 40 प्लस मिल रहा है, उसको डरने वाली कोई बात ही नहीं है, वो कन्फर्म रहेगा कि मेरा तो होगा ही, क्योंकि वाई ग्रुप कट ऑफ इतना बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि आप 55 प्लस टारगेट रखिए। अगर आप डीबी है, डीबी में आप भरे हैं और आप जनरल से बिलोंग करते हैं, तो आपका 55 प्लस टारगेट होना ही चाहिए। फिर जितना मैं पास कराता हूँ वो अलग बात है, मैं भी इसी को टारगेट रखूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।